वही इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़गाम सीट से उमर अब्दुल्ला की जीत हो गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, जीत को लेकर उमर अब्दुल्ला का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने जीत के लिए सबका शुक्रिया अदा किया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पे बड़गाम के मतदाताओं का शुक्रिया अदा किया है उमर अब्दुल्ला ने, और उन्होंने कहा है कि मुझे कीमती वोटों से नवाजने के लिए उनका आभार। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि मुझे यहां से कामयाब बनाकर भेजा गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पे उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान सामने आया है, जहां पे बड़गाम सीट से जीत दर्ज करने पर उन्होंने कहा है कि बड़गाम के मतदाताओं का शुक्रिया जिन्होंने मुझे अपने कीमती वोटों से नवाजा है। इसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे यहां से कामयाब होकर भेजा गया है, उन सभी का दिल से धन्यवाद। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, बड़गाम सीट से जहां पे उमर अब्दुल्ला ने जीत दर्ज कर ली है, और इस जीत को लेकर उनका बड़ा बयान सामने आया है जहां उन्होंने वहां की जनता को धन्यवाद दिया है। इसलिए कि उन्होंने बोला है कि मुझे जिताने के लिए और यहां से काबिल बनाकर भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पे बड़गाम सीट पे उमर अब्दुल्ला ने जीत दर्ज कर ली है और इस जीत को लेकर उनका बयान भी सामने आया है। आपको बता दें कि अपने जीत पर उन्होंने कहा है कि बड़गाम के मतदाताओं का शुक्रिया जिन्होंने मुझ पर अपने कीमती वोटों से नवाजा है, मुझे यहाँ से कामयाब बनाकर भेजा है, उन सभी को दिल से धन्यवाद। फिलहाल पूरे जम्मू कश्मीर के हवाले से बात नहीं करूंगा, क्योंकि कई सारी सीटें हैं जिनके नतीजे आना अभी बाकी हैं। लेकिन फिलहाल बड़गाम में खड़े होके मैं ज़रूर बड़गाम के वोटरों का शुक्रिया करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे अपने कीमती वोटों से नवाजा, मुझे यहां से कामयाब होके भेजा, और मुझे जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत करने का दोबारा एक मौका जो है हासिल हुआ है। अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने काम के ज़रिए अपने आप को इन वोटों के काबिल और लायक समझें, जो कि अगले 5 साल के लिए हमारी मुकम्मल